आई फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाए हुए हैं और मोबाइल एप्लीकेशन IIPPAB का जो होता है एप्लीकेशन IIPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है, अगर उसमें आप अकाउंट खुलवाए हुए हैं उसका एप्स डाउनलोड करते हैं और उसमें लॉगिन करके आप चलाते हैं और मोबाइल आपका मतलब कि बदले हैं, रीसेट किए हैं, कोई भी काम किए हैं, तो दोबारा IIPPAB का जो होता है एप्लीकेशन IIPPB उसमें आप दोबारा लॉगिन कैसे करेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो एप्लीकेशन होता है उसमें दोबारा आप लॉगिन कैसे करेंगे, सब कुछ आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। तो शुरू से लाते हैं वीडियो के साथ, आप बने रहिए, सब कुछ मैं आपको बारी बारी से आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सो गाइस, मैं हूं सुजीत सैनी, स्वागत करते हैं आप सभी का सुजीत टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं IIPPB का जो एप्लीकेशन होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उसमें दोबारा लॉगिन करके आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो एप्लीकेशन है ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसे आपको जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपना प्ले स्टोर ओपन करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो IPPB जो एप्लीकेशन होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, सिंपल सी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है फ्रेंड्स, ठीक है। दोबारा लॉगिन करने के लिए अपने मोबाइल में, तो यहाँ पर हम उसे सबसे पहले यहाँ पर करते क्या है, तो यहाँ पर उसे मैं डाउनलोड करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ गया हम लोग प्ले स्टोर। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ प्ले स्टोर से, तो इसे मैं ओपन कर ले रहा हूँ। इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से ओपन होने के बाद यहाँ पे सिंपल से लिखा हुआ है लॉग इन नो, इस पर देख सकते हैं क्लिक करना है आपको। यहाँ पे ऊपर की तरफ देख सकते हैं लिखा हुआ लॉग इन नो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे करना क्या है आपको, तो सबसे पहले आप ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपको नीचे की तरफ जो दिया हुआ है यहाँ पे कस्टमर आईडी डालना है, जो पासबुक पे लिखा रहा था आईडी कार्ड पे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालना है फ्रेंड्स जो आपके मतलब कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में लिंक हो, वही डालना है और मोबाइल में सिम लगा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से डालना है सब कुछ, मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। डालने के बाद सिंपल से करना क्या है, यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है OTP, ठीक है। इस पर OTP आपको डाल देना है, न्यू पासवर्ड लिखा एम पिन जो फ्रेंड्स, यहाँ न्यू एम पिन और री एम पिन डालना है, यानी कि मैं एम पिन फिर से बना ले रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं उसी एम पिन को आपको यहाँ पे नीचे डाल देना है और डालने के बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के यहाँ पे जितना भी डिटेल्स आपको यहाँ से मांगेगा, पार्टी जो पेट नेम, यहाँ पे जो कुछ भी आपको यहाँ पे मांगेगा यहाँ से आपको सब कुछ यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यानी कि ये आपको डालना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसलिए डालना है कि ताकि आप पासवर्ड का भी भूलते हैं, एम पिन भूलते हैं, तो आपको यहाँ पे दोबारा आप उससे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल नेम, फर्स्ट स्कूल नेम, पेट नेम या फर्स्ट टीचर, जो कुछ भी हो फ्रेंड्स, ठीक है। आप यहाँ से आप जो है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आप यहाँ से डाल लीजिएगा, ठीक है। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप अपना जो मन कर रहा है मैं अपना स्तर से यहाँ पे डाल ले रहा हूँ, आप भी अपने स्तर से डाल लीजिएगा जो भी आपको यहाँ पे डालना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल लिया है, यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कुछ ही सेकंड्स में, यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP आएगा, ठीक है। OTP को आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, तभी जाकर ये रजिस्टर हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करना है आपको। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल पे OTP आ चुका है, देख सकते हैं OTP मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे कर दिया हूँ, तो ये मेरा OTP यहाँ पे डाला गया, ठीक है। इस तरह से अब लॉगिन कर लिया हूँ मैं, दोबारा इस तरह से हम इसे रजिस्टर कर